जय श्री राम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों के मध्य आया हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं बाहर गया था, यानी आउट ऑफ लखनऊ गया था, जिसके कारण आप सभी को वीडियोस नहीं प्राप्त हो रहे थे, उसके लिए भी मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ। और आज आया हूँ तो आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारे में। और अब ये सीरीज चलेगी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारे में, एक प्लेलिस्ट रहेगी कान्यकुब्ज वंशावली, इसमें आपको और सारी वीडियोस प्राप्त होंगी आगे चल के। आज ये पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ भ्रामकताओं के बारे में, जो आप लोगों ने शायद सुनी भी होंगी, दंत कथाएँ हैं बहुत सारी, उनके बारे में हैं। तो मैं इसे दंत कथा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दंत कथा है, ठीक है। तो अच्छा सर जी, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, ध्येय नहीं है कि कोई ब्राह्मण छोटा होता है या कोई ब्राह्मण बड़ा होता है, या मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो ये आप कमेंट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी ब्राह्मण को न छोटा मानता हूँ न बड़ा मानता हूँ, सभी ब्राह्मण एक समान हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर मैं छोटा बड़ा कहीं बताता हूँ तो वो सिर्फ पुस्तकों में लिखी हुई बातों को आप तक पहुँचाने के लिए बताता हूँ, ताकि मेरा लक्ष्य मेरा ध्येय कुछ ऐसा नहीं है। तो हाँ, अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों के कानों में आज तक बातें पहुंची हैं, सरजूपारण और कान्यकुब्ज दोनों ब्राह्मणों की उत्पत्ति को लेकर के। अभी मुझे संतोषजनक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से मैं कोई वीडियो नहीं ले पा रहा था। पर आज जो है कान्यकुब्ज वंशावली में एक जो वाक्य मुझे दो तीन श्लोक मिले हैं, मैं उनके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो भी सही नहीं है, संतोषजनक नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। ये एक कान्यकुब्ज प्रबोधिनी नाम की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने लिखा कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 32वें सर्ग में लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र कुश की वैदर्भी स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी यहाँ तक बात सही है और आगे भी सही है, मैं बताता हूँ। उनमें से कुशनाभ नाम के पुत्र की धृताची नाम की स्त्री से 100 कन्याएं हुईं। हाँ, ये भी सही है, धृताची से 100 कन्याएं हुईं और वो कन्याएं वायु के प्रकोप से कुबड़ी हो गई, यानी कुब्जा हो गई, और उसी से उस स्थान का नाम कान्यकुब्ज रखा गया, ठीक है। ऐसा इन्होंने दावा किया है, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप जब ओरिजिनल ग्रंथ उठाएंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, तो आपको इसमें पता चलेगा कि कुशाम्ब, कुशनाभ, अमूर्त रजस और वसु, ये 4 पुत्र थे राजा कुश के, जिसमें से कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी का जो है निर्माण किया था, जिसको कोसम कहते हैं। कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण किया था। अमूर्त रजस ने धर्मारण्य का निर्माण किया था और वसु ने गिरिब्रज नाम के स्थान का निर्माण किया था। तो ये स्पष्ट है कि ये नहीं है उसमें। और इन्होंने ऐसा लिखा क्यों लिखा, ये वो जाने। आगे दूसरी कथा भी ये बताते हैं। दूसरी कथा में इन्होंने क्या बताया कि एक बार राम जी ने यज्ञ करने का सोचा, तो यज्ञ में हाँ देखिए, लक्ष्मण सहित अयोध्यापुरी आए, अनंतर परमात्मा श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ, तब धर्मात्मा रामचंद्र जी सर्ववर्णाश्रमी लोगों को सुख देने वाला राज्य करने लगे। और उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने हाँ कान्यकुब्जाख्य देशस्थो राम यज्ञ दिदृक्षया, ऐसा इन्होंने लिखा है। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, वहाँ भी ये गलत साबित होती है बात। वाल्मीकि रामायण में क्या है, अच्छा पहले इनकी बात आप लोग सुन लीजिए। इन्होंने ऐसा कहा कि वहाँ से कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बुलाया, और फिर एक कान्य थे एक कुब्ज थे, दो भाई थे, ऐसा ये बताते हैं। उसी में से कान्य ने उनका जो है दान प्रतिग्रह नहीं किया, और बाकी कुब्ज जो थे वो उन्होंने दान लिया, और फिर उनको राम जी ने गाँव इत्यादि प्रदान किए सरजू के उत्तर दिशा में, इसीलिए वो सरजूपारिण कहे जाने लगे, ऐसा इन्होंने बताया, वक्तव्य दिया, ठीक है। अब इसमें श्री मूल ग्रंथ जो है, ये दूसरा भाग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, आप ये देखिए, आप इसे मंगा सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से,
ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं, ज़रूर मंगवाइए। गीता प्रेस की पुस्तकें अच्छी होती हैं, पढ़ना भी चाहिए हम सभी को ताकि जानकारियाँ भी हों। अब इसमें लिखा है कि अपने एतदाख्यम काकुस्थो भ्रातृभ्यामतिम ममित प्रभः लक्ष्मणम पुनरेवाह धर्म धर्मयुक्त मिदम वचन। अपने दोनों भाइयों को भगवान श्री राम ने जब उन्होंने कहा कि हमें यज्ञ करना है, तो कथा सुनाई, निमी उमी की कथा, बहुत सारी कथाएं हैं उनको सुना करके फिर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, मैं अश्वमेघ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और काश्यप आदि सभी द्विजों को बुलाकर और उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ तथा शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। यानी यज्ञ कराने जो ब्राह्मण आए थे उसमें वशिष्ठ थे, वामदेव थे, जाबाली थे और काश्यप थे, जिसमें जाबाली न इन्हीं के यहाँ प्राप्त होते हैं, न हमारे यहाँ गोत्र में प्राप्त होते हैं, ठीक है। वामदेव भी शायद इनके यहाँ प्राप्त होते हैं, हमारे यहाँ नहीं प्राप्त होते हैं। काश्यप जो हैं वो भी इनके यहाँ नहीं प्राप्त होते, इनके यहाँ शायद प्राप्त होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो यज्ञ करने आए थे वो भी उनमें से कोई नहीं थे जो इन्होंने बातें बताई हैं, न कान्य थे और न कुब्ज थे। कौन कौन आए थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार की भ्रामकताएँ हैं। आप लोग जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भ्रमित ना हो, मैं कोई छोटा बड़ा नहीं करना चाहता, मैं बल्कि यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे शुद्ध जानकारी इसके बारे में प्राप्त होगी मैं वो आपके समक्ष जरूर रखूँगा और विस्तृत तरीके से रखूँगा। इसीलिए ये वीडियो बड़ी हुई है, वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहे आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करूँगा आगे भी आप इसी प्रकार अपना प्रेम देंगे हमें। अगर वीडियो में कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, आपको जैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से और भी वीडियोज अगर चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सियाराम।